नर्सिंग की काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे किस तरीके से देखेंगे आप अपने जो काउंसलिंग की पीडीएफ है और रिजल्ट किस तरीके से चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। इसमें मैं क्लिक कर दूँगा, तो क्लिक करने के बाद आपको पहली वाली लिंक पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपके सामने कुछ अटल बिहारी वाजपेयी वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। काउंसलिंग गाइडलाइन, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन बैचलर ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर 4 ईयर लाइफ, ठीक है ना। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे फिर से बीएससी नर्सिंग वाली जो काउंसलिंग का, ठीक है ना साथियों। तो इस पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूरी काउंसलिंग की डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना साथियों, कब से होनी है, कितने टाइम से है, सब कुछ देखने को मिल जाता है। ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर कॉलेज भी मिल जाती हैं, ठीक है ना साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं वो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपको एक पीडीएफ और डाउनलोड के लिए बोलेगा और यहाँ से आपको पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, आल कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं हमारे उन सभी कॉलेज का यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। इसे जूम करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइवेट भी हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, ठीक है ना। सबसे देख सकते हैं कि कितने सीट कौन सी जगह पर बची हैं, कौन सी जगह पर नहीं बची हैं, ठीक है ना साथियों। तो अब बात करते हैं कि आप अपना रिजल्ट देखें और किस अपने रिजल्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो ज़रूर चेक करें, ठीक है ना। तो इस रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करना होगा और ऊपर को स्क्रॉल करना होगा, यहाँ बीएससी नर्सिंग 4th ईयर आएगा फॉरम नेम और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा और आपको अपने DOB यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है ना साथियों। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर DOB भी लिख दी और यहाँ पर अपना अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने यहाँ पर डाल दिया और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो राउंड लगे हुए हैं, ठीक है ना, काउंसलिंग राउंड में आपका नाम आया या नहीं आया, यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और यहाँ से अपना रीप्रिंट एग्जाम का फॉर्म दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम व्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना साथियों। और जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं हमारे यहाँ पर कितने नंबर आए हुए हैं, कि हमारे जो 200 में से 45 नंबर आए हुए हैं और जो हमारी कट ऑफ लगी हुई है क्या उसमें हमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें बैक करना होगा और इस काउंसलिंग पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस वाले काउंसलिंग वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद अगर दोस्तों आपका राउंड में नाम है तो आ जाएगा, अगर नहीं है तो आपको कुछ इस प्रकार से एरर करके यू आर नॉट एलिजिबल काउंसलिंग, तो आपको यहाँ पर ये मैसेज शो होकर आ जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और अपना राउंड चेक करते रहना है कि कब आपका नंबर आए या नहीं आए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको बार बार चेक करना होगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।